धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है, इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को लाया गया अस्पताल। बदमाश के कब्जे से 11 जिंदा कारतूस बरामद। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। इनामी बदमाश के दो साथी भागने में रहे सफल। डीएसपी के कांस्टेबल अशोक मीणा और आरएसी के कमांडो रुपेंद्र की रही अहम भूमिका इस पूरी कार्रवाई में। आरोपी बदमाश पर राजस्थान और यूपी में इनाम जो था वो घोषित था, और बसेड़ी इलाके के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई। धौलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है पुलिस की, और इस बीच बदमाश के जो पैर में गोली लगी है उसको लेकर अब बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बदमाश के कब्जे से 11 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। धौलपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश के कब्जे से 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं पुलिस ने, और बसेड़ी इलाके के जंगलों में पुलिस से और बदमाश के बीच जो है ये मुठभेड़ हुई है। धौलपुर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संतोष हमारे संवाददाता धौलपुर से सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ पूरा ये मामला है, कितने दिनों से जो ये बदमाश था वो फरार चल रहा था और अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, क्या कुछ मामले पे जानकारी? जी, आपको बता दूं कि धौलपुर पुलिस और 55,000 रुपए के इनामी बदमाश के बसेड़ी इलाके के प्रपरौन के जंगलों में कल देर शाम को मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान जो इनामी बदमाश है उसके पैर में गोली लगी है, गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल को धौलपुर पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि उनको सूत्रों से खबर मिली थी कि 55,000 का इनामी बदमाश है जो किसी वारदात की फिराक में अपने दो दोस्तों के साथ पिपरौन के जंगलों में आ रहा है। सूचना मिलते ही टीमें गठित की गई, टीमें गठित कर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने को देखकर इनामी बदमाश हैं, उनकी तरफ से पुलिस पर जानलेवा हमला करने की फिराक में फायरिंग की गई। फायरिंग में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की गई, जिससे दोनों तरफ से जंगलों में फायरिंग हुई। फायरिंग से जो इनामी बदमाश है वो घायल हो गया, जहां उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इनामी बदमाश से पुलिस ने एक देसी कट्टा और एक दर्जन के लगभग कारतूस बरामद किए हैं। जी, शुक्रिया आपका संतोष तमाम जानकारी के लिए। तो धौलपुर से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच